एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज की शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे, या आप जिनके बारे में जानना चाहते हैं वो आपके बारे में किससे बातें कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे, ये हम आज की इस रीडिंग में कवर करेंगे। साथ ही साथ हम उनके भी फीडबैक को जानेंगे जिनसे ये पर्सन बातें कर रहे थे, जिनसे ये पर्सन कह रहे थे कि जो भी बातें थी आप दोनों के लिए, जो भी फीलिंग था या जो भी इमोशंस थे, जिस बारे में भी बातें हुई है ना, वो मैं आपको बताने वाली हूँ आज के इस रीडिंग में। रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, और ये रीडिंग एक पिक अ कार्ड रीडिंग है, यानी कि दो कार्ड निकालूंगी, पिक अ कार्ड निकालूंगी, यानी कि दो कार्ड निकालूंगी, पाइल वन और पाइल टू, जो कि आपके सामने ही निकालूंगी। उसमें से जो कार्ड आपको अट्रैक्ट करता है वो आप एक कार्ड चूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद से आप अपना सीधे रीडिंग देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टाइमलाइन दे दूंगी। हाँ, जो है कभी कभी मैं भूल जाती हूँ टाइमलाइन उसमें ऐड करना। मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपको टाइमलाइन दे दूँ, ठीक है? पिक अ कार्ड रीडिंग है, ठीक है? तो पिक अ कार्ड रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले मैं आपके लिए कार्ड निकालती हूँ। एक एक कार्ड पाइल वन पाइल टू के लिए निकालूंगी। इनवर्स देते हैं, देखते हैं क्या है। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, मेरे व्यूवर्स जितने भी ये लोग रीडिंग देख रहे हैं, मुझे कार्ड दीजिए इनके लिए, इनकी करंट सिचुएशन के लिए, इनके पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे, ये हमें जानना है। यहाँ पे दो कार्ड आ चुके हैं, एक ही बार डिवाइन ने हमें दे दिया है। देखते हैं क्या क्या कार्ड्स हैं। स्टार्स, फर्स्ट कार्ड है स्टार एंड दूसरा कार्ड है मैं यहाँ पे नंबर का कॉम्बिनेशन देख रही हूँ, ठीक है? इसलिए मैं रुक गई क्योंकि नंबर यहाँ पे 5 है और नंबर 6 है। नंबर 6 कहोगे दी कैसे, तो 2 + 4 को अगर काउंट करेंगे, मतलब जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो 6 होता है। 5 और 6 का कॉम्बिनेशन आया है, ठीक है? तो यहाँ पे आप पाइल वन को चूज़ कर सकते हैं, पाइल टू को चूज़ कर सकते हैं। आपको जो कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है उस कार्ड के साथ जा सकते हैं। नीचे टाइमलाइन दिया गया है, वहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हैं डायरेक्ट अपनी रीडिंग को। कार्ड मुझे काफ़ी कुछ कह रहे हैं इसलिए मैं सुन रही हूँ बीच बीच में। तो चलिए आप अपने कार्ड को चूज़ कर लीजिए, मैं कार्ड नज़दीक से दिखा देती हूँ आपको, अगर नहीं दिख रहा है। पाइल वन ये है, नंबर 5, पाइल टू ये है, नंबर 24। दोनों कार्ड में से जो कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है उस कार्ड की तरफ ही जाइएगा। अगर दोनों में से समझ में नहीं आ रहा है तो आप दोनों ही रीडिंग को देख सकते हैं। चलिए अब हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पाई वन को, देखते हैं कि क्या कार्ड उनके बता रहे हैं। तो पाई वन, आप लोग रेडी हो जाओ। हेलो पाइल नंबर वन, कैसे हैं आप सब? आज जो आपने कार्ड चूज़ किया है वो नंबर 5 का कार्ड चूज़ किया है, जो कि स्टार्स की एनर्जी है। तो मैं आपको बता दूं कि आप जो है कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो जो कि आपकी लाइफ में आप चाहते हो। मैनिफेस्टेशन की बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनको आप रीड कर रहे हो, जिनको बारे में आप सर्च कर रहे हो या आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हो। आपको कुछ बड़ा करना है अपने करियर में, अपने जॉब में, अपनी फैमिली में, आप चाहते हो कुछ अलग करो, ठीक है? साथ ही साथ अपने लव लाइफ को लेकर के भी आप काफ़ी मैनिफेस्टेशन कर रहे हो। आपके अंदर ऐसा है कि भाई आपको कुछ मतलब अलग करना है, कुछ ऊंचा करना है, कुछ ऐसा करना है जिससे आपकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आने स्टार्ट हो जाए, ठीक है? आप मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आप सपनों की दुनिया में ज़्यादा रहते हो या ज़्यादा रह रहे हो, मुझे ऐसा फील होता है। सपने काफ़ी बड़े बड़े देख लिए हैं आपने, एंड मुझे ऐसा फील होता है कि आप जो सपने देख रहे हो उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हो। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि कोई स्पेल भी कर रहा है, कोई बहुत बड़ा स्पेल कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप जो डिज़र्व करते हो वो आपको चाहिए, और आपको भरोसा है, आपको विश्वास है, एक अटूट विश्वास कह सकते हैं कि है कि आपको जो मिलना चाहिए वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है? वो आपकी किस्मत में लिखा है तो लिखा है, और आपको वो मिलके ही रहेगा। मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है, ठीक है? चलिए, ये है पाइल वन आपके लिए। ये अगर जो है रेजोनेट किया हुआ है, ये
जो चीज़ें हैं आपके साथ रेजोनेट की है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। आज की शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे आपके पार्टनर, देख लेते हैं कार्ड्स में। सो डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर आज की शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। ओके, डिवाइन मुझे बताएं। सो कार्ड ज़्यादा हैं, नहीं लेंगे। मेरे व्यूवर्स पाइल वन वाले, इनके पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे, डिवाइन मुझे बताएं। पहला कार्ड है फोर ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, नाइन ऑफ वॉन्ड, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, द सन का कार्ड आया है। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। टेन ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ठीक है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। ओके, सो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। सबसे पहले तो आपके और आपके पार्टनर के बीच में अगर देखा जाए तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, जहाँ पे ये पर्सन बातें कर रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं वही डायरेक्ट मैं आपको बता रही हूँ। साइन हर किसी के लिए है, ठीक है, तो यहाँ पे साइन मैटर नहीं करता है, बातें करते हैं कार्ड्स की। तो आज शाम ये पर्सन बातें कर रहे थे कि यार मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है, अंदर से बहुत रिग्रेट फील हो रहा है, अंदर से ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं ठीक नहीं हूँ, मेरे अंदर एक बेचैनी है। क्यों बेचैनी है मुझे नहीं पता, बट ये बेचैनी शांत नहीं हो रही है। मैं अंदर से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ, मैं बहुत दर्द में हूँ। ये एन्जाइटी, ये स्ट्रेस कभी कम नहीं हो रहा है, जो कम होना चाहिए था वो कम बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। लाइफ मेरी पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गई है, क्या करूँ, बहुत रिग्रेट फील हो रहा है, बहुत ही रिग्रेट फील हो रहा है। जो भी हुआ ना मेरे साथ, जो भी मैंने किया उसके साथ, उसको लेकर के मेरे दिल में अजीब सा रिग्रेट वाली फीलिंग है यार। मैं समझ नहीं पा रहा कि कैसे बताऊँ तुम्हें, कैसे कहूँ मैं तुमसे, लेकिन जो भी है मुझे लगता है कि मैं नहीं इस तरीके से कर सकता, मैं चीज़ों को नहीं इस तरीके से मैनेज कर सकता। अंदर से बड़ी तकलीफ़ है, अंदर बड़ा दर्द है, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, कुछ समझ में आता ही नहीं है, करूँ भी कि ना करूँ ये भी नहीं समझ में आता है। ज़िंदगी मेरी कहाँ से कहाँ तक मुझे लेके चली गई है, कोई आइडिया ही नहीं है। बहुत अफसोस कर रहा हूँ उसको रिजेक्ट करके, उसके ऊपर ध्यान ना देकर मैं कहीं ना कहीं अपने आप में खो गया हूँ। और अब जो है ना, मैं उसके तरफ से कॉल का, मैसेज का इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि उसके तरफ से अब कॉल आए, मैसेज आए, उसके तरफ से अब जो है ना बातें हो, उसके तरफ से जो है कुछ तो ऐसा हो जिससे जिससे मुझे जो है ना रिलीफ मिले। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं अंदर से बहुत 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 परेशान हूँ, क्या ही कहूँ, डर लग रहा है यार, कहीं मैं उसे खो ना दूँ। लोग, दुनिया, सबकी नज़रों से बचा के मैंने उसे रखा, लेकिन आज ऐसी स्थिति आ चुकी है जहाँ पे मैं खुद डर रहा हूँ। मैं अकेला हो गया हूँ पूरी तरीके से, बहुत अकेला हो गया हूँ। सारा दुनिया जमाना मेरे साथ जो है ना, मतलब मेरे अगेंस्ट है। कोई ऐसा नहीं है जो मुझे सपोर्ट करे, कोई ऐसा नहीं है जो मुझसे कहे कि हाँ मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, कोई भी ऐसा नहीं है यार। ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अंदर से मतलब लग रहा है जैसे कि कुछ है ही नहीं, खुशी मिल ही नहीं रही है, वो खुशी कहीं गुम हो गई है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं खुशी गुम हो गई है। मैं अंदर से बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में हूँ, मैं क्या ही कहूँ यार, कैसे कहूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लाइफ मेरी इतनी ज़्यादा डिस्टर्बिंग होगी मैंने कभी नहीं सोचा था, कभी भी नहीं सोचा था, कभी मैंने ये सोचा ही नहीं था कि ऐसी चीज़ें होंगी या ऐसी चीज़ें मुझे करनी पड़ेंगी। ठीक है, कभी नहीं। आज जो भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, कहीं ना कहीं मैं तन्हा हूँ, अकेला हूँ, खुद में अकेला हूँ।
मैं खुद को हील करना चाहता हूँ यार, मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ, खुद को हील करना चाहता हूँ। ऐसा लगता है जैसे कि मैं खुद के सपने खुद ही मैंने ख़त्म कर दिए हैं। मैं बहुत ज़्यादा अंदर से डिस्टर्ब हूँ, अंदर से डिस्टर्बेंस वाली एनर्जी है, बहुत ज़्यादा खालीपन सा फील हो रहा है, बहुत अकेलापन सा फील हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा अंदर से बहुत ज़्यादा अकेला हूँ। क्या ही कहूँ मैं, ये अकेलापन मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। अकेलेपन में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं अकेलेपन को कैसे फेस करूँगा, क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, कुछ भी नहीं हो पा रहा है मेरे से, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। ज़िंदगी मेरी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गई है, बहुत ज़्यादा इशू वाला हो गया है, कुछ भी नहीं कर पा रहा मैं। लाइफ मेरी एकदम से, मतलब क्या ही कहूँ, कहीं घूमने जाने की इच्छा भी होती है तो नहीं कर पाता। खैर मुझे जाना है, कहीं अपने आप को मूव तो करना पड़ेगा, मुझे आगे लेके जाना है, अपने आप को लेके जाना है। तो मैं इतनी मुश्किलें कितनी परेशानियाँ झेल लूँ यार, इतना परेशानी कौन झेलता है। अब जो है मैं चाहता हूँ कि नहीं, अब नहीं, अब जो है ना कुछ अच्छा हो, कुछ बेहतर हो, कुछ ऐसी चीज़ें हों जिसे मैं अपना जो पास्ट है वो भुला सकूँ और प्रेजेंट को जी सकूँ, फ्यूचर को प्लान कर सकूँ। मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे मेरी ज़िंदगी थोड़ी सी अच्छी हो, थोड़ी बेहतर हो, मेरे सपने पूरे हों। जो भी मैंने सपने देखा वो सपने मेरे पूरे होने चाहिए, वो सपने मेरे पूरे होने चाहिए। मैं बिल्कुल भी इस तरीके से अलग सा, बहुत ज़्यादा अलग सा फील कर रहा हूँ। मेरे अंदर का अकेलापन कभी जा ही नहीं रहा है। जब जब देखो तब तब मुझे याद आ रही है, उसकी याद आ रही है। और उसकी याद आने का मतलब सीधा सा है कि मैं कहीं ना कहीं मैं उसमें ही रहना चाहता हूँ, मैं गुम रहना चाहता हूँ उसमें ही। कहीं ना कहीं मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा है क्योंकि वो मेरे साथ नहीं है, जो साथ चाहिए वो मेरे साथ ही नहीं है। तो मैं कैसे आगे बढ़ूँ, कैसे क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा यार। कैसे होगा, क्या होगा, चीज़ें होंगी भी कि नहीं होंगी। बहुत ज़्यादा अंदर से डिस्टर्ब हो गया हूँ, मैं बहुत खालीपन सा फील कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा खालीपन सा फील कर रहा हूँ अंदर से, बहुत बहुत ज़्यादा टूट गया हूँ मैं। क्या कहूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे धोखा मिल गया है, मुझे धोखा मिला है कहीं ना कहीं, किसी न किसी से ऐसा लगता है जैसे कि मुझे धोखा ही मिला है। मुझे धोखा कैसे मिला मुझे आइडिया नहीं है, बट मैं अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। मैं उसके साथ फैमिली बनना चाहता हूँ, मैं उसके साथ एक ऐसा रिलेशनशिप चाहता हूँ जहाँ पे हमारी खुद की फैमिली हो, हमारा बहुत अच्छा चीज़, बहुत अच्छा टाइम जो है ना साथ में गुजरे, हम दोनों बहुत अच्छी चीज़ें करें, हम दोनों बहुत बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे को मेंटेन करें, हम दोनों एक दूसरे का साथ चाहते हैं बस, और कुछ नहीं। मेरा कहना यही है कि मैं बस उसके साथ जाना चाहता हूँ, बाकी कुछ नहीं, और मेरा उसके साथ रिलेशन अच्छा होना चाहिए, बाकी और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मुझे जो भी चाहिए था वो मुझे मिल गया है, और मुझे उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि जो भी हो बेहतर हो, जो भी हो बहुत 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 अच्छा हो, ठीक है। इस तरीके से मैं अपने आप को मोटिवेट कर रहा हूँ, मैं अपने आप को अच्छा फील कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं अकेले रहना चाहता हूँ, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। मैं उसके साथ फैमिली बनाऊँगा और बनाने की बहुत इच्छा है। क्या करूँ, मैं समझ नहीं आ रहा अपने सिचुएशन से बाहर निकलने का। तो देखते हैं इनके दोस्त ने क्या कहा है, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, क्या कहा है इनके जो दोस्त हैं उन्होंने क्या कहा है। डिवाइन मुझे गाइड करें, डिवाइन मुझे गाइड करें। ओके, फोर ऑफ वन का कार्ड है, नंबर फोर ऊपर भी आया फर्स्ट कार्ड, और नंबर फोर नीचे भी आया है। फोर आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, या तो राहु की दशा में हो आप, राहु की दशा चल रही है आपकी या आपके पार्टनर की। डिवाइन मुझे गाइड करें, मैजिशियन की एनर्जी है। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, द एम्परर की एनर्जी आई है, टेम्परेंस की एनर्जी आई है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे द मून का कार्ड, ठीक है। ओके, सो मुझे यहाँ पे एनर्जी ऐसी बता रही है, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि
आपके और आपके पार्टनर के बीच में देखिए फोर ऑफ वॉन्ड का कार्ड है जो कि बता रहा है कि आपका जो रिश्ता है, फोर ऑफ वॉन्ड का कार्ड जो कि मुझे बता रहा है कि देखिए आपके रिश्ते में कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है कहते हुए दिख रहे हैं कि देख तूने एक तो उसको रिजेक्ट कर दिया या तूने मना कर दिया या तेरा जो भी प्रॉब्लम था ठीक है तूने उसको रिजेक्ट तो कर दिया, अब तू अफसोस किस बात का कर रहा है? जब तूने रिजेक्ट अपने मन से किया है तो अफसोस क्यों करने का? अफसोस तो करना ही नहीं चाहिए। अब तो तू वही बात हो गई ना कि भाई तू सारी चीज़ें कर रहा है फिर ये सारी चीज़ें क्यों, है ना? तो ये चीज़ें नहीं कर, ठीक है? ज़्यादा अच्छा लगता है, ये चीज़ें करने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है? मुझे लगता है कि तुम्हें जो है ना फोर ऑफ वॉन्ड्स के अनुसार से तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए उसके साथ, या तुम्हें अगर रिश्ता कंटिन्यू करना है तो तुम उसके साथ पहले दोस्ती करो, दोस्ती करके जानो समझो फील करो, उसके बाद सक्सेस को हासिल करना, ठीक है? बात सिंपल सी है कि उसने तेरे ऊपर ट्रस्ट किया और आज तू जो है कुछ ना कुछ एक्सक्यूजेस दे करके आज आज तू प्रॉब्लम को टाल रहा है, लेकिन फिर भी तू सोच रहा है। एक बार तू सोच, ठीक है? पास्ट में जो भी हुआ जैसे भी हुआ वो अलग मैटर था, ठीक है? लेकिन अभी जो है वो अलग मैटर है, तो तू संभाल सकता है, तू कर सकता है, तू आगे बढ़ सकता है, तू चीज़ों को समझ, तू चीज़ों को जान, है ना? और चीज़ों को जितना समझेगा जितना जानेगा उतना ही अच्छा रहेगा। मुझे लगता है कि इतना भी तुझे जो है ना वो नहीं होना चाहिए, इतना भी ज़्यादा जो है तुझे फोकस नहीं करना चाहिए। तुझे जो है ना अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से चलाने की ज़रूरत है, बहुत अच्छे तरीके से करने की ज़रूरत है, बहुत अच्छे तरीके से खुद को जो है संभालने की ज़रूरत है, ठीक है? मुझे लगता है मैजिशियन की एनर्जी जो कि बता रही है कि हाँ जो भी हो रहा है या जो भी होना था, है ना, वो तू कर, ठीक है? तू जो मैनिफेस्टेशन करना चाहता है, तो अपने आप को हील करना चाहता है, तो तू हील कर, ठीक है? रिश्ते को संभालना बहुत ज़रूरी है, और रिश्ता नहीं संभलेगा तो फिर तेरे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि रिश्ता तू संभाल, रिश्ते को आगे बढ़ा, रिश्ते में जो भी चीज़ें कर सकता है वो तू कर, करने के लिए बहुत कुछ है अगर तू करना चाहे तो, करने के लिए बहुत कुछ है अगर करना चाहे तो। क्योंकि मैं ऐसा चीज़ें क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि तू कहीं ना कहीं अपने आप को सही वे में लेकिन आ नहीं पा रहा है, ठीक है? तुझे जो है ना धोखा मिला है या तू उसे धोखा दे रहा है, ये गलत बात है। तू जो झूठ है वो बोल रहा है या तूने झूठ बोला है उससे, ये चीज़ें गलत है, ठीक है? तू ऐसी चीज़ें कर जिससे तेरा रिलेशनशिप सही हो, तेरा रिलेशनशिप अच्छा हो। तू वैसी चीज़ें करेगा तो तुझे प्रॉब्लम आएगी, तुझे वैसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए जो तुझे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में डाल दे, ठीक है? तुझे वैसी चीज़ें ही करनी चाहिए जो तुझे सही लगती हैं, जो तुझे लगता है कि नहीं भाई ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, है ना? तो वो चीज़ें तुझे सही वे में करने की ज़रूरत है, और तुझे जो है ना ये सारी चीज़ें अगर करनी है तो देख ले क्या करना है आगे, क्योंकि आगे का जो भी फ्यूचर है वो तेरे साथ ही जुड़ा है उसका और तेरा भी, है ना? मुझे लगता है कि तू थोड़ा सा ट्रस्ट कर उसके ऊपर, ट्रस्ट करके जो है ना उससे उसे देख, ठीक है? उसे देख, अपनी अपनी जो इमोशंस, अपनी जो फीलिंग्स है वो तू छुपा रहा है, ठीक है? अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को तू छुपा रहा है, तो वो छुपाना बंद कर। किससे छुपा रहा है तू? किससे अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को छुपा रहा है तू? समझ रहा है ना क्या हो रहा है? तो अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस को किससे छुपा रहा है? तो उससे छुपा रहा है जिसे जिसे जो है तू हर एक चीज़ जो है बता सकता है, तो वो छुपा रहा है जिसे हर एक चीज़ तुझे शेयर करनी है, ठीक है? तो ये तू कहीं ना कहीं गलत कर रहा है। टेम्परेंस की एनर्जी है, टेम्परेंस का कार्ड काफ़ी क्लियर बताता है कि हाँ तू सच में पागला है, ठीक है? तू अपने रिलेशनशिप को बैलेंस कर सकता है तो अपने रिलेशनशिप को बैलेंस कर, रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं तू आगे बढ़, रिलेशनशिप को बैलेंस करके जो है ना तू सारी चीज़ें सही कर सकता है, ठीक है? रिलेशनशिप को जो है ना बैलेंस करके तुझे काफ़ी चीज़ें मिलने वाली हैं, काफ़ी चीज़ें तू सही करने वाला है, काफ़ी चीज़ें जो है ना तू लाइफ को, होता है ना कि लाइफ में चीज़ें जो है ना बहुत नॉर्मल वे में होती हैं,
लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो है ना एकदम से अलग सी होती हैं। ठीक है, मैं टेम्परेंस की एनर्जी में देख पा रही हूँ कि जो बैलेंसफुल रिलेशनशिप होता है ना, ठीक है, वो रिलेशनशिप कभी टूटता नहीं है। ठीक है, और वही तुम्हारा रिलेशनशिप होना चाहिए। तो अपने रिलेशनशिप को पहले बैलेंस कर, बैलेंस कर लेगा तो तेरा सपना ज़रूर पूरा होगा कि तू उसके साथ फैमिली बना सकता है या जो भी तुझे करना है वो तू कर सकता है। ठीक है, ओवरऑल रीडिंग में मुझे यही दिखा है, आपके कार्ड में इतनी ही चीज़ें समझ में आई हैं मुझे कि आपके पार्टनर ने आज शाम को ऐसी ही बातें करी हैं और इन्होंने जिनसे बातें करी हैं उन्होंने कुछ ऐसा ही जवाब दिया है। सो पाइल 1 आप लोग की रीडिंग ये रही। रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना आप लोग स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए फिर मैं मिलूँगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे। हेलो पाइल नंबर 2, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। सो पाइल नंबर 2, आप लोगों के लिए जो कार्ड है वो कार्ड नंबर 24 का कार्ड है, एंड आप लोगों ने ये कार्ड चूज़ किया है। सो आपकी सिचुएशन क्या चल रही है वो मैं बताती हूँ। आप जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपने आप को मतलब परेशान फील कर चुके हो। अब जो है अब आपको शांति चाहिए, अपनी लाइफ में एक पीसफुल लाइफ चाहिए। अब जो है आप अपने आप से प्रेम करना चाहते हो। अब जो है आपको ये समझ में आ चुका है कि फर्स्ट में आपको ही खुद को टाइम देना होगा, खुद को मैनेज करना होगा, खुद के लाइफ को समझना होगा। आप याद रख रहे हो कि सबसे पहले तुम अपने आप से प्रेम करो, फिर दूसरों से प्रेम करो। ठीक है, आप ट्राई कर रहे हो, योगास वगैरह कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो। आप कहीं अपने आप में कुछ रेमेडीज़, कुछ रिचुअल्स भी कर रहे हो, लेकिन नहीं हो रहा है, नहीं हो पा रहा है। ठीक है, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ चीज़ें प्रैक्टिस कर पा रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें पीछे ही छूट जा रही हैं। कुछ होता है ना कि आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें पीछे छूट जाती हैं, तो वही हो रहा है आपके साथ। आप अपनी लाइफ में बहुत परेशान हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप जो करना चाह रहे हो वो कर नहीं पा रहे हो। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपको जो है ना अपने ट्रैक पे आना है, आना चाहिए आपको। आपको लगता है कि हाँ आप जैसे पहले थे वैसे आपको होना चाहिए, लेकिन फिर भी आप नहीं हो पा रहे हो। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आप अपने आपके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे रहे हो, अपनी सेल्फ केयर कर रहे हो। यहाँ पे आप ग्रूमिंग वगैरह कर रहे हो, सेल्फ ग्रूमिंग कर रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप ना अपने आप को कहीं ना कहीं चाहते हो कि मैं अपने आप को ऐसा कर लूँ कि मेरे सामने वाला जो भी करे मुझे फ़र्क ना पड़े। ठीक है, तो आप कुछ चीज़ें ऐसे कर सकते हो, कर रहे हो। कुछ लोग टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि आप टैरो कार्ड रीडर या एस्ट्रोलॉजर होकर के भी कहीं ना कहीं आप भी उस प्यार की बीमारी के जो है ना बीमार इंसान हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि प्यार में धोखा, प्यार में तकलीफ है ना, दर्द झेला हुआ इंसान ही ऐसा कर सकता है। चाहता है कि हाँ कुछ भी हो लेकिन रिलेशनशिप बेहतर बना लूँ, है ना, लेकिन वो होता नहीं है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो चीज़ें मुझे कमी दिखाई दे रही कि आप खुद के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे रहे हो लेकिन पूरी तरीके से ध्यान नहीं दे पा रहे हो। तो आपको कहा जा रहा है कि आप भाई पूरी तरीके से ध्यान दो, ध्यान देना स्टार्ट करो। ठीक है, आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, लेकिन हाँ जो आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व ज़रूर हो जाएगी। आप जिस तरीके से एक्टिव होकर के अपने आप को संभालोगे उस तरीके से। ठीक है, तो चलिए फिर अब देखते हैं कि आपके जो पर्सन हैं, ठीक है, वो आज शाम को किससे और क्या बातें कर रहे थे। सो डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स मुझे प्लीज़ गाइड करें। ओके, आज शाम को मेरे व्यूवर्स के पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, किससे और क्या बातें कर रहे थे। व्हील ऑफ फॉर्चून है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। मेरी हेल्थ इश्यूज थोड़े से हैं, इसके वजह से शायद आपको वॉइस मेरी कम सुनाई दे रही होगी। ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ओके,
सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कार्ड में कि आपके जो पार्टनर हैं वो क्या बातें कर रहे थे। थ्री ऑफ पेंटिकल्स है, देखो बॉटम ऑफ द डेक, तो यहाँ पे बातें हो रही हैं कि मेरा पार्टनर जो है ना किसी तीसरे की बातों में आकर के मुझे उल्टा सीधा सुना रहा है, मुझे ही गलत बोल रहा है, मुझे ही गलत चीज़ें बता रहा है, मुझे ही गलत तरीके से ट्रीट कर रहा है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा गलत लग रहा है। मैं क्या ही कहूँ, चीज़ें सही नहीं लग रही हैं मुझे, पता नहीं क्यों ये डिस्टर्बिंग एनर्जी जो मुझे बार बार डिस्टर्ब कर रही है, जो मुझे बार बार बोल रही है कि नहीं 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 नहीं, वो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रही हैं, मुझे बहुत ज़्यादा इश्यूज़ दे रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं शायद हर तरीके से जो है ना सही कर सकता हूँ चीज़ों को, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा। मैं कहीं ना कहीं चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहा, रिलेशनशिप को मैनेज नहीं कर पा रहा। मैं क्या करूँ, कुछ आइडिया नहीं है, मैं कैसे करूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ। ठीक है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा है कि मुझे जो है ना क्या करने का है क्या नहीं करने का है, मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा है। ठीक है, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है जो कि मुझे बता रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस हैं, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो रिश्ता है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाला है। ठीक है, मुझे अंदर से बहुत तन्हाई है, बहुत अकेलापन है, क्योंकि हम दोनों के रिश्ते में काफ़ी खटास आ गई है। ठीक है, और बहुत टाइम से चल रही है खटास, बहुत टाइम से जो है ऐसा ही चल रहा है रिश्ता, कहीं ना कुछ गड़बड़ चल रहा है, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चल रही हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें मतलब इधर की उधर, उधर की इधर चल रही हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना एकदम से मतलब होता है ना कि ख़त्म हो रही हैं चीज़ें। ठीक है, तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपका जो रिश्ता है ना ये बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लगी हैं, काफ़ी इश्यूज़ आने लगे हैं। ये जो पर्सन है ये कहते हुए दिख रहे हैं कि यार रिश्ता कहीं ना कहीं मैं बहुत रिश्ते में मैं अंदर से होता है ना कि मेरे अंदर मुझे गुस्सा आ रहा है कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है जो कि बता रहा है कि मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ यार, कहीं ना कहीं मैं बहुत 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 डिस्टर्ब हूँ। लाइफ मेरी इस तरीके से हो गई है ना, इस तरीके से मैं चक्रव्यूह में फंस गया हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरी किस्मत मुझे धोखा दे रही है या मैं खुद जो है फंस रहा हूँ। कहीं ना कहीं मैं इतना ज़्यादा परेशान सा फील कर रहा हूँ, इतना ज़्यादा अलग सा फील कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ है ही नहीं लाइफ में, कुछ भी नहीं है मेरी ज़िंदगी में, कुछ भी नहीं है। कुछ पॉजिटिव होता तो मैं कहता, लेकिन कुछ है ही नहीं, मुझे नज़र ही नहीं आ रहा। फैमिली भी है तो फैमिली जैसा मैं उसके साथ बिहेव करना चाहता हूँ, फैमिली उसके साथ बनाना चाहता हूँ। मेरा सपना तो यही था ना कि फैमिली बनाओ, फैमिली करूँ मैं, लेकिन यार चीज़ें कहाँ से कहाँ चली गई, समझ में ही नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। क्या हो रहा है ये मेरे साथ, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। मैं तो यहाँ तक भी नहीं जानता कि मेरी ज़िंदगी में क्या होगा आगे जाके, क्योंकि मैं अंदर से बहुत टूट चुका हूँ, मैं अंदर से बहुत ज़्यादा गहरी नींद में था ऐसा मुझे लगता है। और मैं इतना ज़्यादा मैं परेशान हूँ ना कि मैं नहीं समझ पा रहा, मेरे अंदर कुछ है ही नहीं कि मैं समझूँ, मैं जानूँ। मैं बहुत चीज़ों को समझने की कोशिश करने लगा हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ों को जानने लगा हूँ। ठीक है, मैंने मुझे डाउट होता है, खैर मैं मुझे डाउट होता है, अपनी फैमिली पे भी डाउट होता है, उसकी फैमिली पे भी डाउट होता है कि क्या हो गया ऐसा, क्यों हो गया ऐसा, आखिर क्या है कि रिश्ता ख़राब हो गया हम दोनों का। ठीक है, मैं रिश्ता ख़राब नहीं करना चाहता, मैं उसके साथ बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करना चाहता हूँ, लेकिन रिश्ते में जो खटास एक बार आ जाती है फिर से वो खटास ज़िंदगी भर रह जाती है, कहीं ना कहीं वो खटास दूर नहीं हो पाती। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं तो उसके साथ रिश्ता बनाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि एक एक करके चीज़ें सॉल्व हो जाएं।
मैं चाहता हूँ कि एक एक करके चीज़ें हम दोनों के बीच में सॉल्व हो जाएं और हम दोनों में से दोनों को कोई कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग कर रहा हूँ, काफ़ी चीज़ों को देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, फील कर पा रहा हूँ कि मुझे क्या करना है आगे, क्या नहीं करना है। मुझे चीज़ें करनी होंगी, कैसे भी करके चीज़ें मुझे नॉर्मल करनी होंगी। मैं इस चीज़ के चक्कर में हूँ, मैं क्या करूँ अब, मैं इस दायरे पे इस सिचुएशन में आगे खड़ा हूँ ना कि मेरा दिमाग तो खुद नहीं चल रहा है और उसका दिमाग तो कोई ना कोई घुमा ज़रूर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई तो है ऐसा जो कि उसके दिमाग को घुमा रहा है, लेकिन उसका दिमाग घुमाना अब मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता ना, जो भी हो रहा है उसकी मर्ज़ी से हो रहा है या जो भी हो रहा है, क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं इसको कंट्रोल कर रहा हूँ और कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे का क्या होगा क्या नहीं मुझे नहीं पता यार। देखते हैं कि ये जो दोस्त हैं इनके, ये क्या कह रहे हैं। डिवाइन मुझे बताएं कि इनके जो दोस्त हैं वो क्या कह रहे हैं इनके बारे में। डिवाइन मुझे बताएं, बताएं मुझे। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, ओके, डिवाइन मुझे बताएं। द वर्ल्ड का कार्ड है, एस ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ कप्स, ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ की एनर्जी है, ओके, बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपके कार्ड में कि आपके जो पार्टनर है वो कहते हुए दिख रहे हैं कि ये जो पर्सन है कहते हुए दिख रहे हैं, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, कि जो चीज़ें हो रही हैं ना तुम्हारे साथ, ठीक है, तुम अगर आगे बढ़ना चाहते हो उसके साथ तो तुम पूरी दुनिया को भुला के तुम उसको एक्सेप्ट कर लोगे। ठीक है, अगर तुम्हें आगे बढ़ना है सच में उसके साथ, तो अगर तुम्हें आगे नहीं बढ़ना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम आगे बढ़ो नहीं बढ़ो कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन जो चीज़ें कर रहे हो वो चीज़ें तुम नहीं करो। ठीक है, तुम आगे बढ़ो, उसके सामने लोग क्या कहते हैं क्या नहीं करते हैं उसके ऊपर तुम्हारा फोकस नहीं जाना चाहिए। तुम्हारा फोकस तो यहाँ होना चाहिए ना कि तुम क्या चाहते हो, तुम उसके साथ क्या करना चाहते हो, तुम्हारा रिश्ता उसके साथ कैसा चलेगा, तुम्हारा रिश्ता उसके साथ कैसा चलना चाहिए। ठीक है, ये तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है ना, ये तो तुम समझ सकते हो, तुम कर सकते हो। मुझे लगता है कि देखो ये कर्मा है, ठीक है, जो भी चीज़ें हुई हैं तुम्हारे साथ ये तुम्हारा कर्मा है, उसका कर्मा है, जिसकी वजह से आज तुम दोनों ने सर्वाइव किया है, जिसकी वजह से आज तुम दोनों इस कगार पे पहुँचे हो। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपना कॉन्फिडेंस लेवल लो कर लेना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, अपनी लाइफ में तुम वो चीज़ें करो जो चीज़ें तुम्हें अच्छी लगती हैं, जो चीज़ें तुम्हें प्रोटेक्ट करती हैं, जो चीज़ तुम्हें लगता है कि हाँ सही में मैं वो कर सकता हूँ। ठीक है, सही में मुझे वो करना चाहिए और तुम्हें करना चाहिए। सब वॉन्ट्स का कार्ड है, तुम्हारे अंदर इतना पैशन होना चाहिए, इतनी चीज़ें होनी चाहिए कि तुम सही में चीज़ों को कर सकते हो, सही में चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हो, सही में अपने लाइफ को बदल सकते हो। तुम्हें ऐसा करना चाहिए। ठीक है, अपनी लाइफ को लेकर के तुम डिसीज़न लो, एक डिसीज़न लो, तुम्हें क्या करने का है, क्या चूज़ करने का है। इसमें कन्फ्यूज़न वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, कन्फ्यूज़न कोई भी नहीं होना चाहिए। एट ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि बताता है कि भाई तुम्हारा रिश्ता उसके साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। ठीक है, ये तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन आज इस रिश्ते में कहीं वो मिठास नहीं नज़र आ रही है, कहीं वो केयर नज़र नहीं आ रही है। ये मुझे देख के काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा है। तुम एक तरीके से बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी में पहुँच चुके हो जहाँ पे मुझे लगता है कि तुम अंदर से दुखी भी हो एंड कहीं ना कहीं तुम अपने आप को मूव कर रहे हो, अपने आप को इस रिश्ते में या कहें तो अपने आप को कहीं ना कहीं तुम ऐसा लग रहा है जैसे कि अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, है ना, यही बात है ना। क्योंकि मुझे लगता है कि तुम होपलेस हो गए हो। होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है,
होपलेस वाली कोई बात नहीं है, ठीक है, होपलेस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुमने यहाँ पे जो भी प्लानिंग करी है, जो भी तुमने कदम उठाने की सोची है, तुम डिसाइड भी कर रहे हो, तुम प्लानिंग भी कर रहे हो, तुम बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो, जो कि जान के अच्छा लग रहा है, ठीक है, जो कि मुझे भी लगता है कि हाँ ठीक है, तुम्हें करना चाहिए, तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारे लाइफ की बात है, तो तुम्हें करना चाहिए, तुम्हें करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। स्ट्रेंथ का कार्ड है, जो कि तुम्हें बहुत ज़्यादा हिम्मत रखनी होगी, बहुत चीज़ों को कंट्रोल करना होगा, बहुत सारी चीज़ों के साथ तुम्हें मैनेज करना होगा, और वो चीज़ें मैनेज करोगे तो ही तुम्हारे लिए परफेक्ट रहेगा, तो ही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि जो चीज़ें तुम सही तरीके से सही मायने में कर सकते हो वो तुम्हें ही करना होगा, किसी और को नहीं करना होगा। ये तुम ही जानते हो और मैं भी जानता हूँ, जानती हूँ कि तुम ऐसे चीज़ों को कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे, कहीं ना कहीं चीज़ों को तुम सोचोगे ज़्यादा, तो वैसा ही तुम्हें है ना लाइफ में मिलेगा, ठीक है। तो तुम्हें जो है ना अपने ज़िंदगी को थोड़ा बहुत चेंज करना चाहिए, थोड़ा बहुत चेंजेस अपनी ज़िंदगी में लाने चाहिए, थोड़े बहुत चेंजेस लाने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और तुम्हें उन सारे चेंजेस के ऊपर ध्यान भी देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तुम्हारा जो प्रॉब्लम है, तुम्हारे जो इश्यूज़ हैं, है ना, वो प्रॉब्लम वो इश्यूज़ तुम्हें जो है ना पता है, और वो प्रॉब्लम वो इश्यूज़ तुम्हें ख़त्म करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो तुम उन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट करो, तुम कंट्रोल करोगे तो बहुत कुछ हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें तुम कर सकते हो, ठीक है। ओवरऑल रीडिंग में मुझे इतनी ही चीज़ें समझ में आई हैं आपके कार्ड्स में। पाइल नंबर टू, अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, या आप चाहते हैं कि मैं आपकी फुल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से प्रिडिक्शन दूँ, साथ ही साथ रेमडीज रिचुअल भी प्रोवाइड करूँ, तो आप लोग स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।